सरकार हमारे साथ छल कर रही है एनपीएस के अंदर। एनपीएस के बाद उन्होंने यूपीएस दिया ले जाकर के, उसमें भी पूरी तरह से छल किया जा रहा है हमारे साथ में, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहली बात तो 8th पे कमीशन के लिए सरकार ने मना कर दिया है शासन में लिख के, तो 8th पे पेंशन का तो 8th पे कमीशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इनमें मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमने पूर्व वर्ष भी, दो वर्ष पहले भी 17 तारीख में हमने UGC पर धरना दिया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट जॉब की जो खास बात यही है कि हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अब गवर्नमेंट जॉब में कॉरपोरेट में एक्सेल करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो क्यों हम अपने आगे वाली जनरेशन को कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे इस समय धरना दे रहे हैं। एक बार जरा इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर किस लिए लोग आज यहाँ पे धरना देने को मजबूर हैं, क्या है पूरा मामला, जरा बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए हैं सर? हम बरेली विश्वविद्यालय से आए हैं। सर, बरेली विश्वविद्यालय के टीचर्स प्रोफेसर होंगे आप वहाँ के, आप लोगों को यहाँ आना पड़ा, क्या कारण होगा? हमारी ये जो धरना है ये पूरे प्रदेश और पूरे देश के प्रोफेसरों का धरना है। इसमें पूरे देश के प्रोफेसर लोग हैं, हमारी कुछ मांगे हैं जिनका हम कई वर्षों से मांगते आ रहे हैं, वे मांगे हमारी मांगी नहीं गई हैं, जिनमें मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमने पूर्व वर्ष भी, दो वर्ष पहले भी 17 तारीख में हमने UGC पर धरना दिया था। और भी मांग थी, 17 नवंबर 2022 को हमने UGC पर धरना दिया था, जिसमें हमें कोई सफलता नहीं मिलती। उसके बाद हम बार बार धरना देते थे। AI फुफुपटा के आह्वान पे आज यहाँ धरना दे रहे हैं। मुख्य मांग हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, सरकार हमको न्यू पेंशन स्कीम में अमेंडमेंट करके झुंझुना दे रही है, जिसका हम पुनः विरोध कर रहे हैं। पेंशन स्कीम की भी बात हुई है अभी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में थोड़ा सा चेंज किया है, उस चेंज को कोई भी समाज, कोई भी कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम भी प्रोफेसर लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको केवल OPS चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जिसके लिए हम अपना धरना देने के लिए आए हैं, और हमारा विरोध जारी है। जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती, इस तरह के धरना प्रदर्शन पूरे देश में जगह जगह चलते रहेंगे और अब भी चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आप एक बार अपना परिचय दीजिए, कहाँ से? मैं प्रोफेसर मुकेश कुमार, रोहेलखंड शिक्षक संघ बरेली का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जो बात हो रहा था मांग हो रही, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम पे मान ले रहे हैं, कह रहे हैं जैसे सर ने बताया कि झुनझुना दिया गया सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम, क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि OPS को हटा के UPS दे दिया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो एक तरह से फिर एक झांसा ही है कि आपको लगे कि आपको नया नाम दे दिया है। नया नाम देने से NPS से भी ख़राब UPS है। हमें तो केवल OPS पे ही बात करनी है, और OPS जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो केवल पेंशन नहीं है, हर व्यक्ति, हर शिक्षक का सम्मान भी है। अच्छा सर, एक बार जनता उसमें कि क्या आखिर क्या अंतर क्या है दोनों में, जिसकी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और UPS नहीं चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बिना किसी कंडीशनल की कंडीशन के आपको लाइफ टाइम तक वो मिलती रहेगी। UPS में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उस कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसमें जो रिफंड होगा आपको, आपको जैसे उसमें OPS में GPF मिलता है, GPF आपका अधिकार है, आप बीच में कभी आपको आवश्यकता होती है तो उस वक्त भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कुछ पार्ट उसमें से। लेकिन UPS में वो प्रोविज़न नहीं है, और रिटायर होने, मैच्योरिटी होने के बाद जो एक मुस्त अमाउंट आपको मिलती है, देखिए सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी की बहुत सारी ज़रूरतें होती है जो उसको पूरी करनी होती है, उसके लिए एक मुस्त और अच्छी राशि आपको GPF में के रूप में जो मिलती थी वो UPS में नहीं है, ये सबसे बड़ा अंतर है। और दूसरा जो उसमें है, उसमें केवल आपको बेसिक दिया जा रहा है, इंक्रीमेंट लगा के, और वो DA के साथ में नहीं दिया जा रहा है, जो हर साल के उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं, तो इस वजह से UPS किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। अच्छा, सर, पे कमीशन भी अभी 8वां लागू होने वाले, सर बात क्या लग रहा है उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा आपके इस पेंशन स्कीम के ऊपर, कहीं जो बेसिक की आप बात करें कि आप उसमें कुछ बढ़ोतरी? पहली बात तो 8th पे कमीशन के लिए सरकार ने मना कर दिया है शासन में लिख के, तो 8th पे पेंशन का तो 8th पे कमीशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो अब तक तो बैठ जाना चाहिए था। इसके अलावा 7th पे कमीशन में प्रोविजन था कि 50% जब भी DA हो जाएगा उसमें मर्ज कर दिया जाएगा,
क्योंकि मर्ज करने के बाद आपका बेसिक बढ़ जाएगा और बेसिक पे जो भी डीए लगेगा वो अमाउंट ज़्यादा होगी। सरकार को पता है ऐसा होना, इसलिए उन्होंने मर्ज करने का कोई आदेश जारी ही नहीं किया है। तो ये भी एक बात है कि जिसकी वजह से सरकार नहीं चाह रही है कि 8 पे कमीशन भी नहीं बैठाना चाह रहे हैं और सिर्फ 50% उसमें मर्ज भी नहीं किया है। तब तक प्रोटेस्ट करने वाले लोग अगर समय हो जाए, मान ले साल दो साल मांगे नहीं सुने तो तब तक करेंगे? देखिए ये मांग 2005 में जब 2004 सेंट्रल गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में 2005 के बाद से तब से ये मांग निरंतर जारी है और उसी मांग का प्रभाव है कि अभी कुछ कुछ ये ओपीएस से एनपीएस से यूपीएस पे आए हैं, तो जब इनको अपनी सीटें घटती नजर आएंगी, इतना विरोध नजर आएगा, तो ये वापस ओपीएस पे भी आएंगे। जब तक नहीं आएंगे ये तो विरोध निरंतर जारी रहेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि तब तक नहीं तो तब तक, जब तक नहीं होगा तब तक इसका निरंतर विरोध जारी रहेगा। थैंक यू। देखिए आज हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर अधिवेशन है, पूरे राष्ट्र से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं सभी यूपी से विभिन्न कॉलेजों से यहाँ आए हुए हैं। एक्चुअली कई मांगों को लेकर यहाँ पर चल रहा है, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम एक विशेष मुद्दा है। उसके साथ साथ जो शिक्षा का निजीकरण है उस पर भी बात यहाँ हो रही है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम अभी हमारा एक नया मुद्दा जिसमें कि ज़्यादातर शिक्षक इससे अच्छा देते हैं। हम लोग, मैं भी यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर हूँ, नई पेंशन स्कीम में यूपीएस जो है यानी, उसमें हम लोगों का कई लॉस है। बेसिकली अगर आप देखें तो आप एनपीएस में ही है, हम भी एनपीएस में हैं, आप एनपीएस में हैं, तो मोस्टली 60% टीचर जो है वो एनपीएस में आ रहा है। सरकार हमारे साथ छल कर रही है एनपीएस के अंदर, एनपीएस के बाद उन्होंने यूपीएस दिया ले जाकर के, उसमें ही पूरी तरह से छल किया जा रहा है हमारे साथ में, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। है क्या, हम लोगों का जो भी पैसा कट रहा है ठीक है ना, उसके अंदर सरकार हमको जो वापस दे रही है वो अनिश्चितता है, क्योंकि वो सारा की सारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है ठीक है ना, उसमें से केवल हमको कुछ पैसा हमको मिलेगा, बाकी का पेंशन मतलब निर्धारित होगी। वर्तमान में जो हमारे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उन लोगों को पेंशन कितनी मिल रही है, किसी को 2500, किसी को 3000, किसी को 4000 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि हम एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने क्या कहते हैं खाते से एनपीएस के रूप में कम काटा जाता है, उसका रिटर्न हमको कुछ नहीं मिल रहा है, उतना नहीं जितना काट रहा है, उतना नहीं, बहुत कम मिल रहा है हमको, बहुत कम मिल रहा है। हमारा भविष्य जो है असुरक्षित है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमको ओपीएस दिया जाए, पता नहीं है एनपीएस में जैसे ओल्ड पेंशन निश्चितता रहती थी कि हमें पेंशन इतनी मिलनी ही मिलनी है, हमारा परिवार आगे चलेगा, आज निश्चित नहीं है। आज आगे रिटायरमेंट के होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना अमाउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो डीए बढ़ा 3% के आसपास बढ़ा है कुछ, जबकि मिनिमम होना चाहिए करीबन 5% के बजाय 7% 8% बढ़ना चाहिए, जिससे कि समझ में आएगी कुछ अमाउंट बढ़ा, क्योंकि महंगाई उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जा रही है। महंगाई के आधार पर देखा जाए तो उधर तो डीए नहीं मिल रहा है, लेकिन तो ये भी हमारी मांग है कि डीए उसके महंगाई के अनुसार मिलना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम जो न्यू पेंशन स्कीम के साथ है वो यही है। एक्चुअली जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी में थी, हमारा पैसा बिल्कुल फिक्स था कि हमको लास्ट में जाके उसका 50% के रूप में हमको मिलना ही मिलना है, लेकिन अब परिस्थिति ये है एनपीएस में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। आपकी अगर 1,00,000 इनकम है और आप लास्ट में कहो कि आपको 10 या 12 हज़ार में आपकी पेंशन बन रही है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, क्योंकि हमारा पैसा हमको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि हमारा 10 या 12 साल की सर्विस या 15 साल की सर्विस होने के बाद हमारा जो पैसे का रिटर्न है वही हमको नहीं पता, वो पैसा हमारा जा कहाँ रहा है, किस फंड में जा रहा है और किस फंड के तहत हमको कितना परसेंट मिलेगा उसका कोई अभी आइडिया नहीं, और ये सरकार भी बताने की स्थिति में नहीं है कि एक्चुअली हमारा पैसा है कहाँ पर। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है उस केस में हम अपने पैसे का 10% पार्ट दे रहे हैं सरकार को, किस व्याप पे दे रहे हैं, और वो कह रही है कि हम आपको 14% दे रहे हैं, लेकिन वो 14% पैसा हमारा आ कहाँ रहा है ये तो हमको नहीं पता ना, वो हमारे डिपॉजिट हो ही नहीं रहा हमारे अकाउंट में, तो सारी अनसर्टेनिटी है। हम केवल ये मांग करते हैं कि हमको हूबहू हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। यूपीएस पहले एनपीएस आया, उसके बाद यूपीएस आया, तो ओपीएस क्यों हटाया गया? हमारे देश के जो नेता हैं वो ओपीएस खुद ले रहे हैं, तो अगर ऐसा है कि यूपीएस ज़्यादा बेटर है तो वो खुद क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ही क्यों बाध्यता है कि इन्हें एनपीएस या यूपीएस लेना है? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, और गवर्नमेंट जॉब की
जो खास बात यही है कि हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अब गवर्नमेंट जॉब में कॉरपोरेट में एक्सेल करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो क्यों हम अपने आगे वाली जनरेशन को कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आइए। ये देश के इकोनॉमी पे बेस्ड है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी फिक्स है कि हमें इतना परसेंट मिलेगा, तो इसीलिए अगर कोई चीज़ फिक्स है तो हमें भी एक सेटिस्फेक्शन है कि हमें हमारी रिटायरमेंट के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें मिलेगा, और एजुकेशन हमें अपने आगे वाले बच्चों को भी देनी है, तो हम कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी पेंशन पे डिपेंड रहते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो इसमें यूपीएस अगर मान लीजिए उसमें पेंशन काफ़ी कम है तो फिर वो हमारे लिए सफिशिएंट ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल एड पे कमीशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए और बिल्कुल अभी ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। क्या डीए की भी बात हुई थी, उस लोगों से बात की थी डीए में इजाफा होने को लेकर, कहते कि इजाफा जो है डीए में वो बहुत कम हुआ है, ज़्यादा इजाफा होना चाहिए था डीए में, 3% कुछ। हाँ बिल्कुल, 3% है हमारी, उससे ज़्यादा डिमांड है कि जो इसमें इजाफा है डीए में वो ज़्यादा होना चाहिए। अब संघर्ष तो चलता ही रहेगा जब तक भी मानी जाए, संघर्ष तो इसी तरह चलता रहेगा जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद भी कैंपेनिंग हमारी चलती रहेगी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक भी मांग नहीं सुना जाए कौन सा प्रोटेस्ट जाए, बिल्कुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। धन्यवाद। देखा आपने हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर टीचर्स मौजूद थे जिनका कहना है कॉन्टेस्ट बेस पे कि हम लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, हम लोगों को यूपीएस क्यों, और अगर यूपीएस ज़्यादा बेहतर है तो बाकी जो मंत्री हैं वो क्यों अब तक ओपीएस ले रहे हैं।